नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये एलजी कंपनी का 14 इंच सीआरटी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं कि इसका एलईडी जो होता है वो ग्लो हो रहा है और ये टीवी चालू नहीं है, टीवी का स्टैंड बाय ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका पैनल से मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ऑन नहीं हो रहा है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई का प्रॉब्लम बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। किसी किसी टीवी में आसानी से जो है ये प्रॉब्लम रिपेयर हो जाता है, पर किसी किसी टीवी में अच्छे खासे मैकेनिक जो है नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इसे मैं ठीक कर पाता हूँ कि नहीं, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यदि कोई भी टीवी आपके पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको ये आउटपुट चेक करना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आउटपुट ठीक है, अगर आउटपुट ख़राब रहता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता और ये टीवी शायद मेरे पास नहीं आता, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये टीवी जो है मैकेनिक से रिटर्न होकर आया हुआ है मेरे पास। तो इसमें क्या क्या चेक करना है ये आपको विस्तार से जानना है और समझना है, तभी आप किसी भी टीवी को स्टैंड बाई प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आउटपुट का 110 वोल्ट चेक करना है, तो वो तो इसमें ओके है। तो वो वोल्टेज आपको कहाँ से चेक करना है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं SMPS ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है इसका, ये वाले पिन से जो है आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से जम्फर होके यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से एक क्वाइल लगा हुआ है यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से ये प्रिंट देख सकते हैं, और ये प्रिंट जो है हमारा इसके द्वारा यहाँ पे जम्फर या रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, किट को पलट के देखना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए कि अगर जम्फर होगा तो आपको वोल्टेज को चेक करना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज बना रहा है और यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है ओपन हो, तो ये रेजिस्टेंस को चेक करना है। और सबसे पहले आपको ये आउटपुट को खोल देना है, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट लगा हुआ है, तो ये आउटपुट को खोल देना है। अगर ये आउटपुट शॉर्ट रहेगा तो भी हमारा 110 वोल्ट नहीं बनाएगा। तो ये आउटपुट को खोल करके चेक करना है आपको वोल्टेज को, कि वोल्टेज हमारा जो है कहाँ से ड्रॉप कर रहा है। तो अभी हम यहाँ तक थे, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं जम्फर लगा हुआ है, और यहाँ से आया हुआ है एक रेजिस्टेंस द्वारा इधर, और यहाँ से एक जम्फर लगा हुआ है, और ये सीधे गया हुआ है हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर पर, मतलब कि ESTP पे गया हुआ है, और यहाँ से हमारा यहाँ 110 वोल्ट आउट होकर डायरेक्ट ये हमारा आउटपुट के बीच वाले लेग पे जाता है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि 110 वोल्ट वाले ट्रैक पे ग्राउंड के साथ में अगर कोई PF लगा हुआ है तो उसको भी शॉर्ट के लिए चेक करना है। अगर वो PF शॉर्ट रहेगा तो हमारा 110 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ठीक है। और यदि वोल्टेज हमारा 110 से कम बना रहा है तो भी हमारा पावर सप्लाई में दिक्कत हो सकता है और स्टैंड बाय ऑन नहीं होगा। और जो हमारा 100 mA 160 वोल्ट का कंडेंसर होता है उसको भी साथ में चेक कर लेना है, जो कि ग्राउंड और 110 वोल्ट पर लगा हुआ होता है। तो इधर का सप्लाई हमारा ओके है, मैं आपको अभी मीटर से चेक करके दिखा दूंगा, और बाकी का सप्लाई भी आपको चेक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट आउट होता है यहाँ से, तो ये वाला सप्लाई को चेक करना है। तो ये सप्लाई देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से एक जम्फर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ पे सप्लाई आया हुआ है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट डायोड के बाद चेक करना है, 9 वोल्ट पे चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, यहाँ पे AC वोल्ट बताएगा। तो यहाँ पे आपको DC वोल्ट 9 वोल्ट चेक करना है, और ये वाला प्रिंट देख सकते हैं इधर से आया हुआ है रिटर्न, और यहाँ से एक जम्फर लग करके यहाँ पे एक रेगुलेटर IC लगा हुआ है 9 वोल्ट का, और इसका काम क्या है ये मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे 9 वोल्ट आया हुआ है, और यहाँ पे हमारा स्विचिंग का वोल्टेज मिलता है, जो कि स्टैंड बाय ऑन करते हैं तो आता है, कुछ सिग्नल आता है इस पे, तो इस पे सिग्नल आने के बाद में यहाँ से 9 वोल्ट आउट करता है। तो आपको ये 9 वोल्ट चेक करना है यहाँ भी, कि ये 9 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं, बाकी सभी सप्लाई चेक करना है। तो अभी टीवी में मैं लाइन दे लेता हूँ और बाकी का सप्लाई चेक करता हूँ, आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो दोस्तों इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में मीटर को 200 वोल्ट DC रेंज में रखना है, और एक पिन को ग्राउंड में मैं लगा चुका हूं, और अब इसका आउटपुट वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो देख सकते हैं ये बीच वाले पिन पे जो हमारा वोल्टेज जो है 116 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा सप्लाई ओके है। और यहां पे इसका आउटपुट जो और भी सप्लाई है उसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 वोल्ट का प्रिंट है, तो ये यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और डायोड लग के यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट चेक करना है। तो 9 वोल्ट को चेक करने के लिए मीटर को आपको 20 वोल्ट के रेंज में रखना है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ 8.9 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी सप्लाई हमारा ओके है।
और यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रिंट यहाँ आया हुआ है और यहाँ से यहाँ जम्फर के द्वारा आया हुआ है, तो यहाँ भी हमारा उतना वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ भी हमारा वोल्टेज ओके है। और अब जो हमारा यहाँ पे 9 वोल्ट चेक करना है कि हमारा ये 9 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई वोल्ट आउट नहीं हो रहा है। और ये बगल वाले पिन पे जो हमारा 9 वोल्ट इन होता है वहाँ पे देख सकते हैं हमारा 9 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में एक बार ये आईसी को चेंज करके मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का आईसी को मैं खोल लिया हूँ और मेरे पास एक पुराना किट से मैं ये आईसी निकाल लिया हूँ। ये किट था मेरे पास पुराना, तो मैं इससे ये आईसी मैं लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का जो रेगुलेटर आईसी है ये मैं चेंज कर लिया हूँ। और इसको चेंज करने के बाद मैं इसका वोल्टेज को चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा 9 वोल्ट इन हो रहा है, तो देख सकते हैं 9 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट जो है बता रहा है, तो 1 आध वोल्ट से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारा 9 वोल्ट यहाँ से आउट होता है, तो यहाँ का वोल्ट मैं चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं अभी 9 वोल्ट जो आउट हो रहा है यहाँ से। तो ये वोल्ट जो होता है निकल करके ये कैपेसिटर पे आता है और यहाँ कैपेसिटर पर भी हमारा 9 वोल्ट शो हो रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस द्वारा हमारा यहाँ पे सप्लाई आया हुआ है, तो यहाँ भी 9 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए। तो यहाँ 7 पॉइंट मिल रहा है, 7.2 वोल्ट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रेजिस्टेंस जो है 1.5 वोल्ट जो है ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 7.2 वोल्ट जो है इन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर 7.2 वोल्ट इन हो रहा है। और बीच में हमारा ग्राउंड है और यहाँ से जो है ये रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट का, तो इससे 5 वोल्ट आउट करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी हमारा 5 वोल्ट आउट कर रहा है और ये रेगुलेटर आईसी से जो है यहाँ पे आया हुआ है। और इधर से जो हमारा सप्लाई ये आईसी और मेमोरी आईसी पे चला जाता है, तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। तो अभी मैं इसका स्क्रीन में दिखाता हूँ ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं टीवी हमारा ओके हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है एक जानकारी और आपको देना था इसमें कि किसी किसी टीवी में चालू होने के बाद में क्या होता है कि तुरंत से स्टैंड बाई ऑफ हो जाता है, मतलब कि स्टैंड बाई टूटने के बाद में तुरंत से स्टैंड बाई ऑफ हो जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत रहता है कि जो वर्टिकल आईसी जो हमारा होता है वो शॉर्ट होने के वजह से भी इस तरह का कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो आपको स्टैंड बाई प्रॉब्लम में जो है ये वर्टिकल आईसी भी चेंज करके देखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानकारी आपको देना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।